हार्दिक पांड्या और नताशा स्टैंकोविक, युवराज सिंह और हेजल कीच, एस जयशंकर और अब ये ब्रिटिश डिप्लोमेट रायनन हैरिस भी। एक टाइम था जब अमेरिकन मैन या फिर यूरोपियन मैन ज्यादा डिजायर्ड थे, लेकिन नाउ इट सीम्स हाईलाइट में आ चुके हैं हमारे देसी मैन। फॉरेन मैरिज एक्ट FMA के अंडर रजिस्टर होने वाले मैरिजेस इंडिया में पिछले 10 सालों में स्ट्राइकिंग 60% बढ़ चुके हैं। एक फन फैक्ट, डिड यू नो ब्रिटिश क्वीन विक्टोरिया, जैसे द एम्प्रेस ऑफ इंडिया का भी टाइटल मिला था, उनके और एक इंडियन सर्वेंट अब्दुल करीम के बीच एक प्लेटोनिक लव रिलेशनशिप था, जिसे ब्रिटिश मोनार्की ने ऑलमोस्ट कुछ 100 सालों तक छुपाने की बहुत ज्यादा कोशिश की थी। लेकिन स्टिल एक 60% हाइक एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा होता है। सो व्हाट एक्सप्लेन्स दिस? सबसे पहले तो यूरोपियन वुमेन का इंडियन मैन से शादी करना कोई नया ट्रेंड नहीं है। 17th सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी पर कॉलोनी सेटअप करने के लिए ब्रिटेन से कई सारे विडो औरतों को इंडिया लाया था, क्योंकि इससे पहले ब्रिटिश औरतों का इंडिया आना लिटरली बैंड था। पर जब विडो से भी बात नहीं बनी तो ब्रिटिशर्स ने वहाँ के ऑर्फनेज लड़कियों को, जो 13 साल की या उनसे ऊपर थी, उनको भी इंडिया भेजना शुरू कर दिया। Assimilation policy के तहत इन ब्रिटिश औरतों और इंडियन मेल से ऐसे बच्चे हो जो सिर्फ बाय बर्थ इंडियन हो लेकिन कल्चरली पूरा ब्रिटिश हो। फिर इसके बाद कुछ 20th सेंचुरी के आसपास, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, यूरोप और अमेरिका में लेबर्स और सोल्जर्स की शॉर्टेज हो गई थी, तो इस दौरान ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को UK और बाकी जगह पे भेजना शुरू कर दिया एज लेबरर्स या फिर एज सोल्जर्स। एक किस्सा ये भी है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फ्रांस को गार्ड करने 1.4 मिलियन सोल्जर्स को वहां डिप्लॉय किया गया था, तब उनका इंटरेक्शन कई फ्रेंच वुमेन के साथ हुआ जो वहां पे उनके नर्सेस होते थे, होस्टेस बनकर उन्हें सर्व करते थे। उस दौरान भी कई सारे इंडियन मैन और फ्रेंच वुमेन के बीच बहुत सारे अफेयर शुरू हुए थे, एंड कुछ अफेयर्स तो ऑब्वियसली शादी में भी तब्दील हुए थे। जेम्स बुहा खान और अब्बास अली वो सोल्जर्स थे जिनके इंटरकल्चरल मैरिजेस की स्टोरी उस टाइम पे काफी ज्यादा फेमस हो गई थी। अब ओरिजिनली यहाँ से हिस्टोरिकली ये ट्रेंड शुरू हुआ, लेकिन आज कई सारे फैक्टर्स है कि इंडियन मैन फॉरेनर्स के लिए काफी अट्रैक्टिव हो गए, जैसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो लुक्स। हाल ही में फ्रांस की डेटिंग साइट ने दुनिया में कौन सी कंट्री के मेल्स हॉटेस्ट लवर्स है ये पता लगाने की कोशिश की। उन्होंने इसके लिए ऑनलाइन सर्वे किया जिसमें इंडियन मेल्स 7th पोजीशन पर रैंक थे। वैसे एक दूसरे वेबसाइट ने ये स्टडी किया कि किस कंट्री के मेल सबसे ज्यादा हॉट है, एंड यहाँ भी इंडियन मैन 5th पोजीशन पर थे। आज तो AI ने तक एक्सेप्ट किया है कि इंडियन मैन आर मोस्ट अट्रैक्टिव। 2023 में ही ब्रिटिश लॉन्जरी कंपनी पोरमोआ ने एक AI बेस्ड 50 मोस्ट अट्रैक्टिव नेशनलिटीज का सर्वे किया, जिसके अकॉर्डिंग अट्रैक्शन इंडेक्स में AI के हिसाब से भी इंडियंस टॉप पर थे। एंड आई थिंक दिस हैज समवॉट टू डू विद देयर स्किन टोन ऑल्सो। वेस्टर्न कंट्रीज में जैसे आज इंडिया में वाइट स्किन का क्रेज है, वहाँ वेस्टर्न कंट्रीज में ब्राउन टैन स्किन का क्रेज है, जिसके पीछे की स्टोरी आई बेट शायद ही किसी को पता होगी। सो 1920s तक वेस्ट में भी तस्वीर पूरी तरीके से उल्टी थी। उस समय US और यूरोप में टैन स्किन को गरीबी या फिर लोअर क्लास से जोड़ा जाता था, एंड इसीलिए उस दौरान वहाँ की औरतें टैन होने से बचती थी बिकॉज व्हाइट स्किन वॉज इक्वल टू हाई क्लास। लेकिन अचानक से 1923 में रातों रात ये टैनिंग को लेकर कॉन्सेप्ट ही बदल गया, जब उस वक्त की टॉप फैशन आइकॉन कोको शनेल अपने कान स्ट्रिप के बाद पूरी की पूरी टैन स्किन के साथ लौटी। इसके बाद पूरे अमेरिका और यूरोप में टैन स्किन जैसे एक नया फैशन स्टेटमेंट बन गया और हर कोई वहां पर टैन स्किन के लिए कुछ भी करने को तैयार था। आयरोनिकली इसके बाद वहां पर टैन स्किन का मतलब ये हो गया कि आप अमीर हो, क्योंकि अगर आप अमीर हो तभी तो आप बीचेस या फिर लग्जरी बोट्स पर एक वेकेशन को अफोर्ड कर सकते हो और टैन हो सकते हो। इससे एक और चीज हुई कि टैनिंग अब एक वुमेन लिबर्टी का सिंबल भी बन गया, क्योंकि अमेरिकन सन टैनिंग एसोसिएशन के मुताबिक शनेल की पब्लिक इमेज कुछ ऐसी ही थी, इसीलिए बाकियों में भी लिबर्टी केयर फ्री टाइप, और इसीलिए ये चीज बाकी पूरी कंट्री में भी एक सिंबल बन चुकी थी। इस बात की इम्पैक्ट अब बस इससे समझ सकते हो कि 1927 में हिस्ट्री में पहली बार वोग मैगजीन के कवर पर एक टैन मॉडल को जगह दी गई थी। यूनिवर्सिटी ऑफ व्योमिंग USA ने कॉलेज स्टूडेंट्स को सर्वे करके ये प्रूफ किया कि टैन गोल्ड स्किन टोन को ज्यादा पसंद किया जाता है, जिसका इम्पैक्ट हमारे सेक्सुअल पार्टनर्स के सिलेक्शन में भी होता है। एंड आपको तो पता ही है इंडियंस में यू कैन फाइंड ऑल शेड्स ऑफ ब्राउन। एक और रीजन हो सकता है लो रेट्स ऑफ इनफिडेलिटी। अमेरिकन और यूरोपियंस ऑन एन एवरेज अपने लाइफ में 10 से ज्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स बनाते हैं, वही इंडियंस इस इंडेक्स में बॉटम पर है, और एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग लेस सेक्सुअल पार्टनर्स मींस हैप्पी मैरिज इवेंचुअली, बेसिकली मोर लॉयल्टी टुवर्ड्स योर वाइफ। बट लॉयल्टी के अलावा इंडियन मैन का इमोशनल होना भी उनका सिलेक्शन रेस में एक स्ट्रॉन्ग साइड है, ऐसा कहना है सीनियर रशियन फेमिनिस्ट मारिया आर्बुटोवा का। उन्होंने तो इंडियन मेल्स को रशियन गर्ल्स का बेस्ट फिट हस्बैंड तक डिक्लेयर कर दिया है। उनका मानना है कि इमोशनल पर्सन ज्यादा एम्पैथी के साथ सीरियस और सस्टेनेबल रिलेशनशिप में बिलीव करता है। ऑन दी अदर साइड वो ये कहते हैं कि वेस्टर्न बॉयज में एक सुपरमैन कल्चर है, यह आइडियोलॉजी उन्हें टफ, इमोशनलेस और सेल्फ सेंटर्ड होने को इंस्पायर करती है, जिससे वो अपने पार्टनर्स के सामने कभी उतना वल्नरेबल नहीं हो
पाते हैं। इनफैक्ट माया की ये बातें अभी रिसेंट के सर्वे में प्रूव भी हुई है, जिसमें 21st सेंचुरी में भी मेजर इंडियंस कैजुअल रिलेशनशिप की जगह पे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को ही प्रेफर कर रहे थे। इसीलिए उनका नेचर फैमिली ओरिएंटेड भी होता है और इंडियंस का ये फैमिली प्रेफरेंस यूएस जाकर भी नहीं चेंज होता है। 2019 में ही यूएस कम्युनिटी सर्वे में ये सामने आया कि 94% इंडियन इमिग्रेंट्स विद किड्स स्टेबली मैरिड थे, जबकि वहीं व्हाइट अमेरिकन्स में बस 66% मैरिजेस ही स्टेबल थी। वेस्ट कंट्रीज की दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है न्यूक्लियर फैमिलीज। इंडिया में जहां पर 100 मैरिजेस पर एक डिवोर्स होता है, वहीं 50% अमेरिकन मैरिजेस ब्रेकअप हो जाती है। इसके वजह से वुमेन को बहुत सारे मेजर प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ती है। पहली तो आउट ऑफ मैरिज किड्स, जो ओईसीडी कंट्रीज का मेजर प्रॉब्लम है। इससे ही जुड़ी दूसरी प्रॉब्लम है सिंगल पेरेंटिंग, एंड ये ट्रेंड सारे ओईसीडी कंट्रीज में इतना है कि 5 साल तक के 12% बच्चे सिंगल पेरेंट्स के साथ रहते हैं, जिनमें से 90% तो सिंगल मदर्स है जो यूजुअली फाइनेंशियली काफी वल्नरेबल होती है। बट ऑन दी अदर हैंड 63% इंडियंस अपने ओल्ड पेरेंट्स के साथ जॉइंट फैमिली में रहते हैं और किड्स एंड फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। ऑल्सो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ इंडियंस, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, बट यूएस में इंडियंस वेल एजुकेटेड है। वहाँ लगभग 70% इंडियंस ग्रेजुएटेड है कम्पेयर टू 28% यूएस नेशनल्स। वहाँ के इंडियंस का एवरेज एनुअल इनकम भी $39,000 है, जो एक एवरेज अमेरिकन से काफी ज्यादा है। चलो अब बात करते हैं रिसेंटली राइजिंग इंडियंस के सॉफ्ट पावर की। आज इंडियंस सिलिकॉन वैली में 9% कंपनीज के ओनर्स है। इंडिया का कल्चर एक मेजर सॉफ्ट इन्फ्लुएंस है। हर साल 17 मिलियन टूरिस्ट योगा के लिए इंडिया आते हैं, जिसमें से 40% फीमेल्स होती हैं। ऋषिकेश तो है ही फेमस अपने विपासना सेंटर्स और रिवर राफ्टिंग के लिए। देन टॉकिंग अबाउट इंडियन मूवीज, जिन मूवीज और सॉन्ग्स ने हमारे रिच वाइब्रेंट कल्चर को वर्ल्ड वाइड पॉपुलर बनाया है। लास्ट ईयर इंस्टाग्राम के मोस्ट ट्रेंडिंग 20 रील्स में से 15 इंडियन सॉन्ग्स थे। और अभी रिसेंट टाइम्स में भी दंगल, RRR, नाटू नाटू की सक्सेस ने इंडियन स्टाइल एंड ऑथेंटिसिटी का एक नया फॉलोअर बेस बना दिया। एंड ट्रस्ट मी, दिस हैज अ ह्यूज इंपैक्ट। 1951 में रिलीज हुई थी राज कपूर की फिल्म आवारा। अकेले इस एक मूवी ने पूरे वर्ल्ड वाइड ऑडियंस को दीवाना बना दिया था, स्पेशली रशियंस को। इसलिए 1954 में जब पहली बार राज मॉस्को लैंड हुए थे, तो बिलीव इट और नॉट, फैंस ने राज की कार को ही हवा में उठा लिया था, रशियन फैंस ने। इवन रशियन पीएम और उनके मिनिस्टर्स ने एक बार नेहरू जी का वेलकम आवारा हूँ इस गाने के साथ किया था। रशियंस राज कपूर के गूफी स्माइल और स्टाइल के इतने फैन हो गए थे कि उन्हें रशिया में एक सेक्स सिंबल मानने लगे थे। सो बेसिकली इंडियन सिनेमास काफी हद तक इंडियन मेल्स को स्पॉटलाइट में लाने के लिए सक्सेसफुल हुआ है। इसके साथ ऑफकोर्स इंडियन फूड, जो भी इंडिया के सॉफ्ट इन्फ्लुएंस पे काफी मेजर रोल प्ले कर रहा है। इंडियन क्यूजीन जो वर्ल्ड्स फोर्थ फेवरेट फूड है, और इसीलिए फूड डिप्लोमेसी के इम्पोर्टेंस समझते हुए 2017 में पीएम मोदी ने जापानीज पीएम से ये कहा था कि वो जापान में और ज्यादा इंडियन रेस्टोरेंट्स को देखना चाहते हैं, जिससे स्लोली बट स्टेडिली इंडियंस एज अ कम्युनिटी का सॉफ्ट इन्फ्लुएंस का एक तरीके से पॉपुलैरिटी उस एरिया में बढ़ता जाएगा। इन सब फैक्टर्स के चलते आज इंडियंस यूएस में इंटरनेशनल मैरिजेस करने वाले ग्रुप में सबसे आगे हैं। 58% इंडियंस इंटरनेशनल मैरिजेस में इन्वॉल्व है। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इससे क्लोजली देखे ना तो इसका रीजन इन वेस्टर्न कंट्रीज का सेक्स रेशियो भी हो सकता है। वेस्टर्न कंट्रीज इंक्लूडिंग रशिया में फीमेल सेक्स रेशियो काफी ज्यादा है, वहीं पे मिडिल ईस्ट, चाइना और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मेल सेक्स रेशियो काफी ज्यादा है। लेकिन अगर आप इन सारे कंट्रीज को देखें, तो मैरिज लाइक स्टेबल लिबरल डेमोक्रेटिक डाइवर्स एंड इंक्लूसिव कल्चर वाली कंट्री मोस्टली इंडिया ही बचती है। सो मेरे हिसाब से हो सकता है ये भी एक रीजन हो कि इंडियन मेल्स को ज्यादा प्रेफरेंस मिल रहा है, बट ये मेरा मानना है। इस पे आपका क्या कहना है? आपको अगर इन सारे रीजंस के अलावा कोई भी रीजन सूझता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में उसे कमेंट कर देना, आई वुड लव टू नो। बट हाँ, आजकल इंडियन में कुछ एप्स इंडियन लड़कियों को गोल्ड डिगर्स बना रहे हैं। कैसे, क्या क्या कर रहे हैं वो लोग, ये सब कुछ जानने के लिए हमने इस पे डिटेल वीडियो बना रखा है। आप यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके उसको देख सकते हो। मिलते हैं अगले टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।